मेघदूत जीनिंग एंड प्रेसिंग इंडस्ट्रीज वडोदरा के डायरेक्टर आनंद शाह से commoditiescontrol.com ने कॉटन इंडस्ट्री के लिए करंट ईयर और अगली ईयर की सिचुएशन पे बातचीत की। आनंद जी, ये बताइए कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए करंट ईयर कैसा रहा है? जो लास्ट सीजन था वो ओवरऑल काफ़ी ख़राब रहा था जीनिंग इंडस्ट्री के लिए। इनिशियली डिस्पैरिटी थी, फिर पीछे से जीनर्स ने स्टॉक किया और जो एक्सपेक्टेशन था कि भाई पीछे से बारिश लेट है तो प्राइस बढ़ेंगे, तो ये हुआ नहीं। और अभी भी फ़िलहाल जीनर्स के पास स्टॉक है, यान मूवमेंट भी नहीं है, तो ओवरऑल काफ़ी बुरा साल रहा, यानी प्रॉफिट वाइज बहुत अच्छा नहीं रहा। अगले साल आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि नया वर्ष हमेशा नई उम्मीदें लेकर के आता है, ऐसे में इस इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें? नहीं, नया साल काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ओवरऑल सोइंग इंडिया में, गुजरात में, सभी जगह बढ़ा हुआ है। क्रॉप सिचुएशन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा सीज़न लेट गया है लेकिन यील्ड वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि भाई कॉटन एक्सपोर्ट कैसा रहेगा, उसके ऊपर से थोड़ा साल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जीनस प्रोडक्शन वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। मार्जिन्स भी रहने चाहिए क्योंकि क्रॉप फार्मर्स, क्रॉप जीनस अपने फार्मर्स के लिए यील्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, तो उनको भी लॉस नहीं रहेगा। आपने कहा कि करंट ईयर इस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो मोस्टली पूरे साल सभी जगह बात होती रही कि पूरी डिस्पैरिटी की बात होती रही, तो ये डिस्पैरिटी क्या वजह थी कि ये डिस्पैरिटी पूरे साल बनी रही? डिस्पैरिटी ये जीनिंग इंडस्ट्री में तो सालों साल रहेगी क्योंकि क्रॉप 4-4.5 करोड़ का है और जीनिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी है 7-8 करोड़, तो सबको पूरा 100% प्रोडक्शन नहीं मिलता है। फिर इनिशियली क्या होता है कि भाई जैसे लास्ट ईयर फॉरवर्ड सौदे बहुत हुए थे 42,000 से 45,000 तक, फिर मार्केट डाउन हो गया था, तो इसमें काफ़ी जीनर्स ने जिसने बेचा तो अराइवल स्लो थी, तो जिसने बेचा वो ले रहे थे, फिर जिसको फैक्ट्री चलानी थी उसको उनको डिस्पैरिटी थी, तो ये सब काफ़ी फैक्टर्स है जिसके हिसाब से ये जीनिंग इंडस्ट्री में डिस्पैरिटी रहेगी। तो यानी जो नया सीज़न आएगा उसमें भी डिस्पैरिटी के टूटने की उम्मीद नहीं करें? नहीं, इस साल डिस्पैरिटी टूटने की उम्मीद चांसेस काफ़ी है क्योंकि फार्मर्स को लग रहा है कि भाई उनका यील्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, तो वो लोग और लास्ट ईयर का उनका एक्सपीरियंस रहा होगा कि भाई स्टॉक करने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फार्मर्स बेचने में आएंगे तो जीनस को ऑटोमेटिकली रेट से कपास मिलेगा। तो और अभी जो गुजरात में जो पिछले दिनों बहुत भारी बारिश हुई है, तो उसका कोई क्रॉप पे असर देखने को मिल रहा है? ओवरऑल जैसे हमारा एरिया की बात किया जाए मेन लाइन में तो कुछ ज़्यादा हैवी रेन्स नहीं हुई है, तो थोड़ा सीजन लेट हुआ है 15 डेज से, लेकिन लॉस वाइज तो कुछ नहीं लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, इल भी अच्छा होगा, ऐसे सब फार्मर्स का कहना है और हमारा भी सर्वे है। सौराष्ट्र में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, एपी लाइन में थोड़ी पीछे हैवी रेन्स हुई थी लेकिन वो ओवरऑल 5% का है, बाकी ओवरऑल अच्छा है। चीन से अगले साल आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि जब चीन एक तरफ स्टेट रिजर्व से उसने काफ़ी कॉटन बेचा, दूसरा वो कह रहा है कि हमारे फार्मर्स अभी कम भावों पर यहाँ बेचेंगे, तो उसमें क्या आपको नहीं लगता कि बहुत टफ कंपटीशन होगा या चीन का क्या रुख रह सकता है? ज़रूर बहुत टफ कंपटीशन रहेगा, एक्सपोर्ट के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से 50-60% होगा ऐसा सबका कहना है, प्लस अभी भी कोई बिल्कुल डिमांड नहीं आ रही है। जैसे हर साल सीज़न स्टार्ट होने के पहले एक्सपोर्ट के काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, इस साल चीन की डिमांड नहीं है, प्लस चीन का जो पॉलिसी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वो भी क्लियर नहीं है, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन जीनिंग कॉटन रेट्स के जो फ्लक्चुएशन है वो भी कम रहेंगे क्योंकि बायर्स जनरली लोकल रहेंगे, डोमेस्टिक बाइंग रहेगी और प्लस ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा और रेट्स 35,000-36,000 पर कैंडी के हिसाब से रहेंगे, तो सबको ओवरऑल अच्छा रहना चाहिए। ये आनंद भाई, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियों का,
वो कैसा रहा इस साल, और क्या ये यूटिलाइजेशन आप बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं? जिनिंग इंडस्ट्रीज में जैसे गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो नए नए आते हैं, बाकी ये सब्सिडी नहीं रहेगी जिसको भी, जब बंद हो जाएगी तो नया कोई प्रोडक्शन में आएगा नहीं, बढ़ाएगा नहीं उनकी कैपेसिटी, क्योंकि ऑलरेडी डबल दी कैपेसिटी है क्रॉप के अगेंस्ट में। प्लस इनिशियली लास्ट ईयर जैसे देखा जाए डिस्पैरिटी काफ़ी थी 1 महीने तक, तो उसमें जब एक शिफ्ट चल रहा था 8 आवर्स 12 आवर्स, ऑलमोस्ट आधा सीजन सा मैंने ऐसे ही प्रोडक्शन लिया हुआ है। तो मेरे को लगता नहीं कि भाई जिनिंग इंडस्ट्री में कोई अपने कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो यानी आपके ओपिनियन में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें बहुत से लोग एक स्टेट में अपनी फैक्ट्रियां बंद करते हैं, दूसरे स्टेट में मूव कर जाते हैं, तो क्या ये सब्सिडी बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उस पर एक्चुअली? जिनिंग इंडस्ट्री में तो जरूर से बंद करनी चाहिए, क्योंकि स्पिनिंग में सरकार दे रही है वो अच्छा है, क्योंकि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्लस अपने को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है इंडिया को, तो जो कॉटन की कैपेसिटी है या कि वो काफ़ी ज़्यादा है स्पिनिंग के अगेंस्ट में, तो वो अपने को बढ़ाना है। तो स्पिनिंग के वाइज इट इज़ वेरी गुड, लेकिन जिनिंग में तो ऑलरेडी डबल द कैपेसिटी है, तो मुझे लगता नहीं कि भी गवर्नमेंट को जिनिंग में भी देना चाहिए। आप जो अपनी इस बिजनेस में रिस्क मिनिमाइज कैसे करते हैं, क्या आप जब बाजार में बहुत वॉलीटिलिटी होती है क्या आप SNC या NCDX वगैरह में हीज वगैरह करते हैं, किस तरह करते हैं आप इसको? नहीं, वो हम लोग यहाँ बेसिकली डे टू डे ही सेलिंग परचेज करते हैं, ज़्यादा कभी कभार MCX से हेजिंग कर लेते हैं, बाकी ओवरऑल तो डे टू डे ही करते हैं। अच्छा, ये जो अभी पिछले दिनों एक बहुत ज़्यादा चर्चा चली है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इंडस्ट्री में आया था, कुछ फर्मों के नाम आए थे, क्या उस तरह का कोई असर आपके यहाँ दिखाई दे रहा है इस साइड में? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई असर नहीं लग रहा है, कोई एक थोड़ा बहुत डिले होता है। आनंद भाई, आपने कमोडिटीज कंट्रोल से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।